नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशु गुप्ता। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय पीबीवाई आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, इकचारी में आवासीय जमीन 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा। धूरी यादव हत्याकांड मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, एसएसपी ने कहा जमीन विवाद और आपसी रंजिश को लेकर हुई थी हत्या। झारखंड चुनाव को लेकर बांका में दोनों राज्यों के अधिकारियों ने की हाई लेवल मीटिंग, शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने को लेकर बनाई गई रणनीति। ठंड बढ़ने के बाद भी नहीं घट रही डेंगू से ग्रसित मरीजों की संख्या, कई डेंगू पीड़ितों की हो चुकी है मौत। पूर्ण शराबबंदी को लेकर एसएसपी ने साहेबगंज और गोड्डा के पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक, शराब तस्करों पर कार्रवाई को लेकर हुई चर्चा। और बांका में बेखौफ अपराधियों ने ट्रैक्टर चालक से हथियार के बल पर लूटे रुपए, विरोध करने पर तोड़ा हाथ। और अब खबरें विस्तार से। भागलपुर के चर्चित समाजसेवी सह केंद्रीय काली पूजा समिति के महामंत्री चिरंजीवी यादव उर्फ धूरी यादव हत्याकांड मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। एसएसपी आशीष भारती ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पकड़े गए अपराधी और घटना के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। एसएसपी ने कहा कि धूरी यादव की हत्या जमीन विवाद और पुरानी रंजिश को लेकर की गई थी। हत्याकांड को अंजाम देने में कई अपराधी शामिल थे, जिसमें कुछ अपराधी भागलपुर जिले के हैं जबकि कुछ अपराधी दूसरे जिले से आए थे। एसएसपी ने कहा कि धूरी यादव हत्याकांड में उर्दू बाजार निवासी किशोर यादव को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें किशोर ने अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। एसएसपी ने कहा कि सुनियोजित तरीके से जमीन विवाद और पुरानी रंजिश के तहत धूरी यादव की हत्या की गई थी। इस हत्याकांड में उर्दू बाजार इलाके के कई बदमाश शामिल है। एसएसपी ने कहा कि एसआईटी टीम के द्वारा अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। हम आपको बता दें कि 4 नवंबर शाम 6 बजे अपराधियों ने घर से 100 मीटर की दूरी पर धूरी यादव को गोलियों से छलनी कर दिया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज, सिटी डीएसपी राजवंत सिंह, ततारपुर थाना अध्यक्ष, जीरो माइल थाना अध्यक्ष, सवौर थाना अध्यक्ष, जोकसर थाना अध्यक्ष, बरारी थाना अध्यक्ष सहित तकनीकी शाखा के कर्मी एवं अधिकारी मौजूद थे। 4 नवम्बर की संध्या को चिरंजीवी यादव धूरी यादव को उर्दू बाजार जो ततारपुर थाना में है वहाँ के रहने वाले थे, उनको उनके घर से निकलते के बाद इस दूरी पर अपराधकर्मियों द्वारा गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में उनके जो भाई हैं उनके द्वारा कांड दर्ज कराया गया था, जो कि ततारपुर थाना कांड संख्या 286/19 है। और इस मामले में काफ़ी गंभीरता से लिया गया था इस कांड को, और इस मामले में सिटी एसपी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसके द्वारा इस मामले में एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है, जिसका नाम है किशोर यादव, पिता श्रवण यादव, जो कि उर्दू बाजार का ही रहने वाला है, ततारपुर थाना का। और इसके द्वारा बताया गया है कि पुरानी रंजिश और जमीनी विवाद के कारण इस घटना को अंजाम दिया गया है, जिसमें उसके अतिरिक्त अन्य कई सारे अपराधी इसमें शामिल हैं, जिसके बारे में उसके द्वारा डिटेल बताया गया है। तो पुलिस अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी कर रही है, जल्दी उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर शनिवार को बांका के बौसी स्थित निरीक्षण भवन में हाई लेवल मीटिंग हुई। मीटिंग में प्रमंडलीय आयुक्त वंदना कीनी, भागलपुर मुंगेर और दुमका के डीआईजी एवं बांका भागलपुर मुंगेर जमुई एवं झारखंड में दुमका देवघर एवं गोड्डा जिले के डीएम और डीसी मौजूद थे। इस दौरान दोनों राज्यों के अधिकारियों ने झारखंड चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए रणनीति बनाई। चुनाव के दिन राज्य की सीमा सील रखने एवं बड़े अपराधी की लिस्ट दोनों राज्यों के अधिकारियों ने एक दूसरे को सौंपी। चुनाव से पूर्व सभी अपराधियों को गिरफ्तार करने, शराब तस्करी पर रोक लगाने की बात कही गई। साथ ही चुनाव के दौरान किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, इसको रोकने के लिए विशेष रणनीति बनाई गई है। बैठक में दोनों राज्यों के कई जिलों के एसपी एवं प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। आयुक्त महोदय भागलपुर और दुमका के आयुक्त साहब, उसके बाद डीआईजी साहब दुमका के, भागलपुर के और मुंगेर डीआईजी साहब, और डीसीज साहेबगंज, गुड्डा, साहेबगंज, गुड्डा, आपको फिर देवघर और दुमका, और इधर से जमुई, बिहार साइड से जमुई, भागलपुर और बांका के डीएम एवं डीसीज थे, और एसपी एवं एसएसपी थे सभी लोग दोनों ही साइड से।
तो कुल मिला के सभी लोग यहाँ पे आए हुए थे, पूरे डिटेल से डिस्कशन हुआ है बॉर्डर सीलिंग से संबंधित, प्लस और भी जो सेंसिटिव पॉइंट्स हैं इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए, और हर तरीके का कोऑर्डिनेशन के लिए जो है व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह भी बनाया गया है ताकि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान झारखंड में हो सके और कोई भी ऐसा नहीं हो कि वहाँ कोई घटना करके इस साइड बॉर्डर से बिहार की साइड करें। भागलपुर में ठंड बढ़ने के बाद भी डेंगू का प्रकोप कम नहीं हो रहा है, प्रतिदिन लोग डेंगू का शिकार हो रहे हैं। वहीं मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डेंगू से ग्रसित मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। शनिवार को कई डेंगू पीड़ितों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि रात में पारा काफी नीचे गिर जाता है। मायगंज अस्पताल की इमरजेंसी और मेडिसिन वार्ड में 100 से अधिक डेंगू पीड़ित मरीजों का इलाज चल रहा है। अस्पताल के अनुसार अब तक 325 डेंगू से ग्रसित मरीजों का इलाज हो चुका है, साथ ही प्रतिदिन डेंगू लक्षण से पीड़ित मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। जबकि जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में डेंगू पीड़ितों की संख्या 1000 से पार हो चुकी है। कई पीड़ितों का इलाज घर में चल रहा है तो कई मरीजों का इलाज निजी नर्सिंग होम में चल रहा है। जिले में पूर्ण शराबबंदी लागू कराने को लेकर शनिवार को एसएसपी कार्यालय में सीमावर्ती जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ एसएसपी आशीष भारती ने बैठक की। बैठक में गोड्डा और साहिबगंज के डीएसपी मौजूद थे। एसएसपी ने बताया कि झारखंड चुनाव को देखते हुए शराब तस्करों के संबंध में सूचना आदान प्रदान की गई, जिसमें चुनाव के दौरान किसी प्रकार के शराब की तस्करी ना हो सके। एसएसपी ने कहा कि झारखंड के दोनों जिलों में 20 दिसंबर को चुनाव होना है, शांतिपूर्ण चुनाव सम्पन्न कराने के लिए भागलपुर पुलिस झारखंड पुलिस को सहयोग करेगी, जिससे चुनाव में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न ना हो। पूर्ण शराबबंदी को लागू कराने हेतु नियमित अंतराल पे जो भागलपुर के जिस जो सीमावर्ती जिले हैं उनके पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की जाती है, उसी क्रम में आज बैठक रखी गई थी, जिसमें गुड्डा और साहेबगंज के पुलिस उपाधीक्षक स्तर के पदाधिकारी आए थे। इस मामले में इस बैठक में हम लोगों ने मुख्य रूप से जो शराब तस्कर हैं उनके बारे में आसूचना का आदान प्रदान किया, और साथ में क्योंकि जो विधानसभा चुनाव है झारखंड में दोनों जगहों पे 20 तारीख को होने वाला है, उसको लेकर के भागलपुर पुलिस के तरफ से जो उनको सहयोग की आवश्यकता है इसके संबंध में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है, और हम लोग उसको पूर्ण सहयोग करेंगे ताकि शांतिपूर्वक वहाँ पर चुनाव सम्पन्न हो और शराब की कोई तस्करी भागलपुर में नहीं। बांका के अमरपुर में इन दिनों छिनतई एवं रंगदारी की घटना में काफी वृद्धि हुई है। वहीं इन घटनाओं को रोकने में पुलिस पूरी तरह से विफल है। अपराधी बेखौफ होकर रंगदारी और रागिरों से छिनतई कर रहे हैं। शुक्रवार की शाम रामपुर गांव के समीप बेखौफ अपराधियों ने ट्रैक्टर चालक से हथियार का भय दिखाकर 8000 रुपया लूटकर फरार हो गया। वहीं ट्रैक्टर चालक द्वारा विरोध करने पर अपराधियों ने रॉड से हमला कर उसका एक हाथ तोड़ दिया। फिर ट्रैक्टर चालक मादाचक गांव निवासी मोनी शाह ने बताया कि इंग्लिश मोड़ से बालू लेकर केदुआर जा रहा था। इसी दौरान रामपुर गांव के समीप कैलाश यादव मुकेश चौधरी ने रास्ता रोककर पास में रखा रुपया लूट लिया। पीड़ित ने घटना की सूचना अमरपुर थाना को देते हुए आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है। जा रहे थे रामपुर में, रोक के पिस्टल सटा दिया, 8500 रुपया छीन लिया। बराबर लेता है हर खेप में। कौन कौन लड़का थी? कौन कौन लड़का था? मुकेश कुमार और चौधरी और एक का नाम है, और 4-5 आदमी था। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए सिर्फ टीवी। हर साल की तरह इस साल भी सर्दियों के आते ही तिवतन पोटाला मार्केट भागलपुर के तिलका मांझी कठलबाड़ी नियर आदित्य विजन भागलपुर में खुल चुका है। यहाँ हर तरह के गर्म कपड़े, जैकेट, स्वेटर, साल, कंबल, टोपी, मफलर उचित कीमत पर उपलब्ध है। महिला, पुरुष एवं बच्चे के लिए बेहतरीन क्वालिटी एवं एक से एक डिजाइन में गर्म कपड़ों की रेंज उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही चले आइए तिवतन पोटाला मार्केट तिलका मांझी कठलबाड़ी नियर आदित्य विजन भागलपुर। अगर शहरों में रहने की तमन्ना हो तो क्यों ना एक घर अपना हो, अगर PVY आस्था ड्रीम्स आपका अपना हो तो क्यों बाजारे महफिल में भटकना हो। PVY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड लेकर आया है 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा में आकर्षक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस प्रोजेक्ट में पहले पोजिशन पाए फिर रजिस्ट्री कराएं। 30 फीट चौड़ी सड़क, नाली, 24 घंटे बिजली, पार्किंग, जिम, हॉस्पिटल एवं अन्य कई सुविधाओं के साथ वास्तु को ध्यान में रखकर बनाया गया मंदिर और चिल्ड्रन पार्क भी।
पीवीवाई आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड मासिक किस्त मात्र 10,000 पर उपलब्ध, तो अभी बुकिंग कराएं मात्र 51,000 रुपये में। आवासीय जमीन मात्र 1,00,000 रुपये प्रति कट्ठा, तो जल्दी फोन उठाएं और संपर्क करें 7070909894 8210975763 7542931524 6200102297 बलुआ टोला करेला नाथनगर भागलपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर के लोगों को हेल्दी लाइफ जीने और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से शनिवार को तिलका मांझी स्थित हीलिंग टच हॉस्पिटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। मीडिया को संबोधित करते हुए अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर प्रणव कुमार ने बताया कि भागलपुर को रोग मुक्त करने के लिए शहर के सभी सामाजिक संगठनों के साथ मेडिका एवं हीलिंग टच द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मिशन स्वस्थ भागलपुर के तहत लोगों को सभी प्रकार का मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा, साथ ही लोगों को फिट रहने के बारे में जागरूक किया जाएगा। इस दौरान बढ़ते प्रदूषण, स्वास्थ्य एवं डेंगू पर भी चर्चा की गई। इस अवसर पर डॉक्टर प्रतीक पोद्दार, डॉक्टर राहुल दिसित, डॉक्टर सौम्यजीत घोष मौजूद थे। यही एक तरीका है जिसमें कि अभी जितने पेशेंट आ चुके हैं इनको तो ये पता चल गया कि क्या हम लोग कर रहे हैं। आप लोगों के द्वारा भी लोगों को पता चलेगा कि जैसे कि डॉक्टर प्रतीक हैं, डॉक्टर सौम्यजीत घोष हैं, ये कभी नहीं आते भागलपुर। उनको कोई जरूरत नहीं है, भागलपुर से इनका कोई उस तरह का लगाव नहीं है या उनके रिलेशन नहीं है यहाँ पे, पर इसी कारण आए हैं। और इन्होंने जो कहा कि आपको कैसे स्वस्थ रहना है, बीमारी ना हो, बीमारी हो गई फिर उसका इलाज तो एक अलग चीज है, बीमारी ना हो ये इम्पोर्टेंट है। शहर में जमीन के नाम पर कई लोग ठगी के शिकार हो चुके हैं। भागलपुर के घंटाघर स्थित डी प्रो कंपनी के संचालक कुमार प्रभाकर ने भोले भाले लोगों को जमीन का झांसा देकर करोड़ों रुपए की ठगी कर ली है। कुमार प्रभाकर के खिलाफ पीड़ित व्यक्तियों के द्वारा जोगसर, SC ST, तिलका मांझी और बाद थाने में ठगी के दर्जनों मामले दर्ज है। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुछ दिन पूर्व आरोपी को जेल भेज दिया है। शनिवार को कुमार प्रभाकर की पत्नी SSP से मिलने कार्यालय पहुंची। वहीं SSP आशीष भारती ने बताया कि ठगी के आरोपी कुमार प्रभाकर के खिलाफ पुलिस जल्द ही आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल करेगी। SSP ने कहा कि ठगी मामले में कई लोगों ने पत्नी को भी आरोपी बनाया है, जिसमें फिलहाल वह जमानत पर है। ठगी के मामले में जिसमें कई लोगों से पैसा लेकर के जमीन उनको दिया नहीं गया था, इस मामले में डीप्रो फाउंडेशन के प्रभाकर कुमार उसके प्रोप्राइटर प्रभाकर कुमार पे कई सारे कांड दर्ज किए गए थे और उसी में अभी तक जो जानकारी हम लोगों ने निकाला है उसमें एक मामले में जो उसकी पत्नी है उसके ऊपर भी कांड दर्ज किया गया था। ऐसी जानकारी मिली है कि उसमें उसके द्वारा बेल कराया गया है और उस पर पुलिस के द्वारा चार्जशीट भी समर्पित कर दिया गया है, परंतु कई थानों में उस पर केस है तो उसको अभी वेरीफाई किया जा रहा है, जिसमें जोगसर थाना, तिलका मांझी थाना, SC ST थाना, बाद थाना में कांड दर्ज है तो उसको हम लोग वेरीफाई करा रहे हैं। और कहलगांव के छोपाल टोला स्थित सामुदायिक भवन में राजद प्रखंड अध्यक्ष पद के चयन को लेकर कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक में सभी पंचायत के सदस्यों ने सर्वसम्मति से वासुकीनाथ यादव को प्रखंड अध्यक्ष चुना। इसके साथ ही नई कार्यकारिणी का भी गठन किया गया। प्रखंड अध्यक्ष का चयन निर्वाचित पदाधिकारी नरेश यादव के नेतृत्व में संपन्न हुआ। निर्वाचित होने के बाद प्रखंड अध्यक्ष वासुकीनाथ यादव ने बताया कि प्रखंड स्तर पर संगठन को मजबूत बनाया जाएगा। इस मौके पर पूर्व प्रखंड अध्यक्ष शफी आलम, रानी देवी, पूर्व प्रमुख जोगेंद्र यादव, पवन कुमार भारती, कौशलेंद्र यादव, मंटू यादव सहित कई राजद नेता मौजूद थे। मैं बहुत हर्षित हूँ और गौरवान्वित भी हूँ कि आज बहुत पुराने समाजवादी नेता, हम लोगों के गार्जियन श्री नरेश बाबू के द्वारा मुझे और कहलगांव के तमाम राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं के निर्विरोध निर्वाचित मैं हुआ हूं और इनकी घोषणा नरेश प्रसाद यादव जी ने की है। मैं तमाम कार्यकर्ताओं से यही कहना चाहूंगा कि जो आप लोगों ने मुझ पर विश्वास करके ये जिम्मेवारी मुझ पर दी है, मैं इस पर
100% खरा उतरूंगा। सनहौला पुलिस ने चार कांडों में जब्त 902 लीटर देसी और विदेशी शराब को नष्ट किया है। शराब विनष्टीकरण की कार्रवाई सनहौला थाना परिसर में की गई। शराब विनष्टीकरण के दौरान सीओ विकास कुमार कर्ण, उत्पाद दरोगा एवं थाना अध्यक्ष ब्रजेश कुमार मौजूद थे। सीओ ने बताया कि जब्त किए गए 836 लीटर विदेशी शराब और 66 लीटर देसी शराब को नष्ट किया गया है। भागलपुर जिला प्रशासन की मेजबानी में सैंडिस कंपाउंड में चल रहे अंडर 17 स्टेट लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट के पांचवें दिन शनिवार को पूर्णिया, मधुबनी, औरंगाबाद, वैशाली, रोहतास, बेतिया, गया एवं गोपालगंज के बीच मैच खेला गया, जिसमें मधुबनी ने पूर्णिया को 5 विकेट से एवं वैशाली ने औरंगाबाद को 9 विकेट से पराजित कर दिया। आपको बता दें, क्रिकेट टूर्नामेंट सैंडिस कंपाउंड के भीतरी एवं बाहरी मैदान में चल रही है। प्रतियोगिता जिला खेल पदाधिकारी प्रमोद कुमार यादव के नेतृत्व में चल रहा है। ज्वाइंट सेक्रेटरी सुबीर मुखर्जी ने बताया कि आगामी सोमवार से सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा, जबकि 28 नवंबर को टूर्नामेंट का फाइनल मैच होगा। इस मौके पर गुंजन कुमार, नीरज कुमार एवं आयोजन से जुड़े अन्य लोग मौजूद थे। चलते चलते फिर से एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय पीवीवाई आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, एक चारी में आवासीय जमीन 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा। धूरी यादव हत्याकांड मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, एसएसपी ने कहा जमीन विवाद और आपसी रंजिश को लेकर हुई थी हत्या। झारखंड चुनाव को लेकर बांका में दोनों राज्यों के अधिकारियों ने की हाई लेवल मीटिंग, शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने को लेकर बनाई गई रणनीति। ठंड बढ़ने के बाद भी नहीं घट रही डेंगू से ग्रसित मरीजों की संख्या, कई डेंगू पीड़ितों की हो चुकी है मौत। पूर्ण शराबबंदी को लेकर एसएसपी ने साहेबगंज और गोड्डा के पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक, शराब तस्करों पर कार्रवाई को लेकर हुई चर्चा। और बांका में बेखौफ अपराधियों ने ट्रैक्टर चालक से हथियार के बल पर लूटे रुपए, विरोध करने पर तोड़ा हाथ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।